गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल ले रहे हैं जिसका नाम है सरफेस टेंशन। तो इस प्रैक्टिकल में जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है दिए हुए द्रव का बिंदु मापी, जिसे हम स्टैगलोमीटर भी बोलते हैं, की सहायता से अपेक्षित पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। ये आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। इस प्रैक्टिकल का जो आवश्यक उपकरण है वो है, इसको इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं उनके लिए हमने आज इंग्लिश में स्लाइड भी शेयर की है और इसके नीचे भी लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन द रिलेटिव सरफेस टेंशन ऑफ ए गिवन लिक्विड बाय स्टैगलोमीटर। इसके अंदर जो आपके ऑपरेटर्स होंगे वो होगा एक तो स्टैगलोमीटर, जो अभी आपको सर करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि स्टैगलोमीटर कैसा होता है। उसके बाद है उसके बाद स्टैंड होगा जिसमें कि आप इसको लगाएंगे, और एक बीकर होगा जिसमें हम हमारा सोल्यूशन लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि सरफेस टेंशन है क्या। एक्चुअली क्या होता है कि द्रव अवस्था में अंतराणुक वॉन्डरवॉल आकर्षण बल गैस अवस्था की अपेक्षा अधिक प्रबल होते हैं। ये आप सभी जानते हैं। अगर हम देखें कि जो लिक्विड होगा उसमें ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगी, जबकि जो गैस होगी उसमें कम लगती है, इसीलिए उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। यदि द्रव के दो अणु ए और बी पर विचार करें तो हम देखेंगे कि ए के चारों ओर अन्य अणु के समान रूप से आकर्षित रहता है, जिससे वह स्थिर अवस्था में रहता है। आप किसी भी लिक्विड की कोई ड्रॉप देखते हैं तो उसके चारों तरफ दूसरे पार्टिकल्स भी होते हैं, इसी की वजह से वो स्थिर बना हुआ रहता है। जबकि गैस के पार्टिकल्स को आप खुद सोचिए, अगर आप किसी एक पार्टिकल को देखेंगे तो उसके बहुत दूर तक कोई दूसरा पार्टिकल नहीं होता है। अतः इस प्रकार द्रव में अंतर अणुओं पर चारों ओर से समान बल कार्य करता है, अर्थात परिणामी बल का जो मान होता है वह अंतर अणुओं पर शून्य होता है तथा अप्रभावित रहती है। लेकिन द्रव की सतह पर स्थित अणु भी केवल तीन ओर से ही आकर्षित रहता है। ये बात तो हम उसके लिए कर रहे हैं जो एक ड्रॉप अंदर की तरफ है, उसके चारों तरफ दूसरे कण हैं, इसलिए उसकी जो गति होगी वो बिल्कुल नहीं होगी। अब अगर आप किसी लिक्विड के सरफेस पे आ जाए तो उसके नीचे की तरफ तो अणु होंगे लेकिन ऊपर की तरफ नहीं होंगे। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो द्रव की जो नीचे के जो पार्टिकल है उसकी एक तरफ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी लेकिन सरफेस पर नहीं लगेगी, नहीं उसके ऊपर की तरफ कोई भी आकर्षण बल नहीं होगा, जिससे नीचे की ओर कार्य करने वाले अंतःकणु संतुलित नहीं हो पाते। बीच वाला जो अणु था उसको संतुलन करने के लिए इधर उधर दोनों तरफ पार्टिकल थे, ऊपर नीचे दोनों तरफ पार्टिकल थे, इसलिए उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन संतुलन में था। लेकिन जो ऊपर जो पार्टिकल होगा उसके संतुलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी पार्टिकल नहीं, वो ऊपर ही ऊपर एकदम सरफेस पर आ गया है। अतः द्रव की सतह पर स्थित प्रत्येक अणु अंदर की ओर आकर्षित होता है, वो क्योंकि नीचे ही अणु तो नीचे की तरफ ही खींचेंगे, ऊपर को खींचेगा ही नहीं, तथा नीचे की ओर खींचता है। दूसरे शब्दों में द्रव के पृष्ठ तल पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो उसके क्षेत्रफल को कम करने का प्रयत्न करेगा, जिससे द्रव की सतह पर एक विशेष प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अब अगर हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो तनाव उत्पन्न होगा, इसी को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, और इसी पर आज हम काम कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रैक्टिकल है उसका जो सिद्धांत है वो ये है कि यदि बिंदु मापी से दो विभिन्न द्रवों जिनका कि वॉल्यूम V है से गिरने वाली बूंदों की संख्या क्रमशः N1 और N2 है तथा उनका जो पृष्ठ तनाव है वो η1 और η2 है, तो जो उनके बीच में रिलेशन होगा वो यहाँ आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा, η1 अपॉन η2 इक्वल टू d1 अपॉन d2 मल्टीप्लाई बाय N2 अपॉन N1 है। यहाँ पर जो η1 और जो N1 और d1 है वो सब वाटर के बारे में है, η1 उसका सरफेस टेंशन है, d1 उसकी विस घनत्व है, और n1 जो है उसकी बूंदों की संख्या है। इसी तरह से हमने जो दूसरे जो ली है चीज़ें वो सब हमने अननोन लिक्विड के लिए लिए, जिसका कि हम निकालेंगे। ये मैंने आपको नेक्स्ट जो स्लाइड दी है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं ताकि वो उसको देख सके। इसके बाद आएगी हमारी कैलकुलेशंस। आज का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है, और उसका जो इस ताप पर जो जल का घनत्व है वो एक है, और जल के जो पृष्ठ तनाव है वो 72.75 डाइन पर सेंटीमीटर आता है। जल की जो डेंसिटी आती है वो 0.78 ग्राम पर ml आती है।
अब हम जो आगे जो कैलकुलेशन है यहाँ तक हमने ये जो आगे है इसके आगे का पोर्शन आपको प्रैक्टिकली गुप्ता सर करके दिखाएंगे। वो चेंज कर लो, बैक कैमरा ले लो और बड़ा कर दो। बीएससी पार्ट फर्स्ट के प्रैक्टिकल तीसरे प्रैक्टिकल में आप सभी का वापस से स्वागत है। ये आपके स्टाल्गमोमीटर है। यदि आप गौर से देखेंगे तो स्टाल्गमोमीटर में भी ये ऊपर एक पूरा गोल ब्राउन डार्क रिंग बन रही है और एक ये यहाँ नीचे बन रही है डार्क ब्राउन रिंग। इन दो रिंग के बीच का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में यहाँ नीचे गिरने वाली ड्रॉप्स की संख्या हमें प्रैक्टिकल द्वारा नोट करनी है। बहुत ही इजी से प्रैक्टिकल है ये। शांता वाला भी बहुत इजी था, वहाँ टाइम नोट कर रहे थे और इस पृष्ठ तनाव वाले में सरफेस टेंशन में हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिनेंगे। प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले वाटर, ये इसका ये जो इस तरह का पार्ट है इसको हम वाटर में डिप करेंगे और पिपेट जो इसका निशान है उस निशान से ऊपर तक, फिर इस प्रेशर को अंगूठे को हटाना नहीं है, बस अंगूठे के प्रेशर को कम करना है। इसका जो ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को यहाँ डार्क सर्किल तक डिज़ायर्ड हमारे स्थान तक नीचे लेके आना है बिना अंगूठा हटाए। अंगूठे का केवल प्रेशर रिलीज करना है बहुत धीरे धीरे। ये जा रहा नीचे आपके वॉल्यूम, हटाना नहीं है, बस प्रेशर आपके हल्का करना है। अब ये डिजायर्ड वॉल्यूम तक पहुंच गया। इसके बाद हमें ये स्टैंड पे मैंने एक लगा के दिखा रखा है, इसको मैं हटा रहा हूँ और इस वाले स्टाल्गमोमीटर को यहाँ स्टैंड पे लगाना है और इस अंगूठे को हटा के यहाँ से गिरने वाली बूंदों की संख्या को नोट करना है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमने खुद प्रैक्टिकल करके देखा था, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो उसको अपलोड करने में भी टाइम लगता है, तो हम पूरी नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपको नहीं दिखा पाएंगे। मैडम इसको यहाँ खुद अपने हाथों से कर चुकी हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स आई हैं वो मैडम ने टेबल में लिख रखी हैं। ये आपको देखिए स्टूडेंट्स, ये जिस पे मैंने हाथ लगाया है 32, 33, 32, 33 ऊपर जो लिखा हुआ है वो जल के बूंदों की संख्या है। इनका हमने औसत निकाला है वो 32.5 आया है और इस तरीके से जो जल का प्रैक्टिकल है ये हमने कम्प्लीट किया है। यही हमें प्रैक्टिकल 4 बार करना है। ये एक बार वाटर ड्रॉप हो गई, फिर वापस से हम शक करेंगे स्टाल्गमोमीटर में, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे। फिर इसके बाद जो हमें दूसरा द्रव दिया गया है उस द्रव को भी पिपेट आउट करेंगे, इसमें जो डिजायर्ड वॉल्यूम है वहाँ तक ले जाके नीचे तक ला के उससे भी हम 4 बार प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैडम कर चुकी हैं, तो वो जो रीडिंग्स हैं मैडम बता रही हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखी हुई है 82, 83, 85, 85, 86 और इन सब का हमने एवरेज लिया तो ये आया 85.5। इसके बाद कैलकुलेशन से फिर मैडम आगे बताएंगे आपको। इसके बाद हमने कैलकुलेशंस करी है स्टूडेंट्स। जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो यहाँ पर मेंशन है, ये जो फॉर्मूला है आप स्लाइड पे देख सकते हैं।
गामा टू इक्वल टू डी टू अपॉन डी वन इंटू एन वन अपॉन एन टू इंटू गामा वन है। यहाँ इससे पहले मैंने आपको टेबल जहाँ से स्टार्ट हुई है सबकी वैल्यूज़ बताई है और हम डी टू नीटा टू को कैलकुलेट कर लेंगे। और नीचे ही नीचे हमने लिख रखा है दिए गए द्रव का 20 डिग्री तापक्रम पर जो पृष्ठ तनाव, ये तो 22.16 है, इसको कैलकुलेट करने के लिए के बाद ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी इस फॉर्मूले में रखने के बाद। तो ये स्टूडेंट आज का जो तीसरे नंबर का प्रैक्टिकल है ये सरफेस टेंशन का है, जिसको कि हमने आपको करके भी दिखाया है, कैलकुलेशंस भी दी हैं। अब आप इसे अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिख सकते हैं। थैंक यू।